चुका है, तो अभी बजे 12:30 इन द नाइट। तो जिसका डर था अभी वही हुआ, पैकिंग हो गई, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान अभी रखना बाकी रह गया था, तो हालत अभी ऐसी हो गई है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तभी इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना टाइट हो जाएगा, अदरवाइज चेन बंद नहीं होगी। अभी देख सकते हो हाल क्या हो गया है, तो पहले ये फिट करते हैं, जैसे तैसे करके देखते हैं होता है कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि चेन पर मुझे रहम करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे तैसे करके तो इतनी हो गई है, अभी थोड़ी बाकी है। अगर बिगड़ गई ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मेरा सामान एवरी टाइम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जब भी मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो हार मान ली मैंने, अभी ये यहाँ पे ही रख के जाना पड़ेगा। ये मेरा फेवरेट जैकेट है, तो इसको यहाँ पे ही रख देता हूँ, अभी देखता हूँ होता है कि नहीं। आई होप कि हो जाना चाहिए, अभी तो हो गया फाइनली, जगह तो हो गई और ये लॉक भी हो गया। चलो अभी जाने के लिए निकलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं, नहीं बताऊंगा, कल देख लेना, अदरवाइज परसों देख लेना। एक बैग और एक लैपटॉप बैग, तो अभी जाने के लिए निकलते हैं। ये ले मेगा, रख दे, चल चल रख रख रख, पैसे मिलेंगे, आजा। ओके, आ गया बैग। और ओरियो को अभी बाय बाय करते आते हैं, ओरियो और डार्क फैंटेसी को, सो गए हैं अभी तो। ओह, ओरियो नींद नहीं आ रही। रात को 1 बजे बैठे थे, अभी हमने स्टॉप किया है, तो कैसी हालत अभी कैसे हो गई आपकी? अभी पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, अभी मेगा आ रही है। तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे 9:45 इन द मॉर्निंग। यहाँ पे बच्चों के खेलने के पार्क भी है, अगर सोनू आता तो यहाँ पे ज़रूर खेलता। कार चली गई है और सारा सामान अभी इसमें ही रह गया है। वेदर काफ़ी बढ़िया है बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ पे पार्क है और यहाँ पे ए मेगा तेरी धूम बाइक, चल बैठ जा इस पे, एक बार बैठ जाना, प्लीज़ एक बार, लेडीज़ फर्स्ट, तुझे बैठना पड़ेगा इसमें, तो इस पे चढ़ जा, इसके ऊपर। मेगा के लिए परफेक्ट है, कुछ नहीं होगा, एक बार चढ़ जाना। ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं, अभी बजे है 12 इन द आफ्टरनून, तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर पॉट्स है और काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर पॉट्स मिल रहे हैं। ये वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे तो, और कछुए का भी है यहाँ पे, और डिज़ाइन बहुत ही अलग अलग है यहाँ पे। मेगा कौन सा पसंद आया तुझे? ये बतख वाला, सेम तेरे जैसा है। वाह, पिगी बैंक चाहिए? यहाँ पे पिगी बैंक भी है। ओ वाओ, ये देख रेड वाले, नहीं ये पिजन, और सामने भी बहुत सारे रखे हुए हैं। तो ये पानी रखने के लिए है, और यहाँ पे डोरेमोन और मिकी माउस। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अभी धूप लगती है, और हमने ये लिया। मेगा एक बार दिखाना, ये है मेगा का न्यू हाउस, अभी मेगा इसमें रहेगी ओरियो के साथ, घोसला दिखा ना, इधर से दिखा। वाह, बहुत ही बड़ा है मेगा, लग रहा है वो। अभी मेगा इसमें रहेगी। मैडम चाय पियोगे? चाय मैडम को अभी चाय नहीं पीना। अरे खोलो तो सही मैडम, अरे मैडम चाय नहीं पियोगे तो क्या पियोगी? क्या बोलती पब्लिक? आगे जाओ। क्या बोलती पब्लिक? फाइनली अभी हम आ चुके हैं दीव में, तो आज हम स्टे करने वाले हैं यहाँ पे, तो 2 दिन के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। तो अभी फ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलते हैं घूमने के लिए। मेगा चल रेडी, चल सारा सामान ले लेना। हाँ भैया हाँ, 250 मिलेंगे 250। आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच भी नहीं हुआ, तो अभी बजे कितने बजे हुए मेगा? 5:05। तो अभी मेगा को भूख लगी है, तो हम नाश्ता करने के लिए जाएंगे। डीजल अभी भरवा दिया है कार में। तो आज कौन सी जगह घूमेंगे मेगा? मुझे तो कुछ पता नहीं, तू बता दे इधर। तू यहाँ पे 2 बार आई है मेगा, तो याद किसको रहता है? इसको तो कुछ याद नहीं रहता। चलो अभी इसके अंदर जाएंगे और कुछ खाएंगे।
तो सनसेट का व्यू काफी ज्यादा प्यारा आ रहा है। और आज सनलाइट सीधे मेरे मुंह पे आ रही है। क्या बोलते हैं इसको, सनलाइट बहुत मुंह पे आ रही है। हाँ सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है। मेरे दोस्त आ रहे हैं। ओह मेघा के दोस्त आ रहे हैं। वाओ बहुत सारे हैं बेड बकरियां, मेघा की फेवरेट है वो तो। तू है मैं नहीं हूँ। आर यू, बहुत ही प्यारा है आप देख सकते हो। अभी मैं आया हूँ दीव की बहुत ही प्यारी जगह पे। तो यहाँ पे बहुत सारी बोटें रखी हुई हैं और सनसेट का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है आप देख सकते हो। बहुत सारी बोट है यहाँ पे, आगे तो बहुत बड़ी बड़ी बोट है और यहाँ पे बहुत छोटी बोटें रखी हुई है आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा व्यू है। और वहाँ पर हम सामने गए थे खाना खाने के लिए, वो ब्रिज क्रॉस करके। यहाँ पर बहुत सारी बोटें रखी हुई है, बहुत मतलब बहुत सारी बोट। मेगा व्यू कैसा लगा, मस्त है ना? तो ये है पार्किंग और ये है दूसरा पार्किंग और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट और व्यू नेक्स्ट लेवल आ रहा है सनसेट का। तो ये बोट और ये तीन बोट बहुत ही बड़ी बोट है, देखो कितनी मस्त है। अभी हम आए हैं बीच पे, तो ये बीच मैं आपको कल दिखाऊंगा। व्यू बहुत ही प्यारा है और ये बीच इतना ज़्यादा क्लीन है ना, मैं आपको कल दिखाऊंगा। अभी हम एंजॉय करते हैं। ये देखो पानी भी कितना मस्त है। सनसेट का व्यू हमने मिस कर दिया यहाँ से। बीच पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी या। तो ये स्टैचू क्या है आप कमेंट करके बता दो ना ज़रा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये स्टैचू में क्या है।